आपका सवाल नंबर है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? आपका ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरिक, डी हिएरोग्लिफिक्स। उत्तर है बी ब्राह्मी। आपका सवाल नंबर है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आपका ऑप्शन है असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी बंगाल। उत्तर है असम। आपका सवाल नंबर है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। उत्तर है डी तमिलनाडु। आपका सवाल नंबर है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, सी डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। आपका सवाल नंबर है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी लंदन में, सी बंबई में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी लंदन में। आपका सवाल नंबर है, देश का लोह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है सरदार पटेल, बी पवन, जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। उत्तर है सरदार पटेल। आपका सवाल नंबर है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? आपका ऑप्शन है हिटलर, बी जिन्ना, सी चर्चिल, डी माउंट बेटनेल। उत्तर है सी चर्चिल। आपका सवाल नंबर है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित? आपका ऑप्शन है बर्नार्ड शाह, बी लियो टॉलस्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी लियो टॉलस्टॉय। आपका सवाल नंबर है, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? आपका ऑप्शन है 1859, बी 1869, सी 1879, डी 1889। उत्तर है बी 1869। आपका सवाल नंबर है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? आपका ऑप्शन है रजनीत सिंह, बी गुरुवार गोविंद सिंह, सी गुरुवार नानक, डी लाला राजपत राय। उत्तर है डी लाला राजपत राय। आपका सवाल नंबर है, इनमें से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपका ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, बी सोन, सी गंडक, डी कोसीएल। उत्तर है सुवर्ण रेखा। का सवाल नंबर है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उल्लेखित सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है पुराण, बी जातक,
सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। तेल उत्तर है सी मुद्गोपनिषद।